वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और डिस्क्लेमर ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं किंग बुलेट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिए हैं लेकिन माइलेज से परेशान है, ठीक है? तो बेसिकली गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक अच्छा माइलेज पा सकते हैं अपने इस बाइक से, और इनिशियल डेज में क्या माइलेज मिलते हैं। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई मैंने न्यू बाइक ली है और माइलेज तो दे ही नहीं रही बाइक, मैं पेट्रोल डला डला के परेशान हो चुका हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 BS6 खरीद के लाएंगे फर्स्ट डे, और उस टाइम में आपको क्या माइलेज मिलेगी, ठीक है? क्योंकि जब आप शोरूम से निकलते हैं तो उस टाइम में आपके बाइक के अंदर 2 लीटर फ्यूल रहती है जो कि कंपनी मतलब शोरूम वाले आपको डाल के देते हैं, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप फ्यूल पंप पे जाते हैं, 500-600 जितना भी मर्जी आपका फ्यूल डलवाते हैं, और उसके बाद जो है आपको आपकी जो बाइक है लगभग 150 किलोमीटर तक चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। और उस समय में जो कि जब आपकी बाइक न्यू रहती है उस समय में आपको एवरेज मिलती है लगभग 20 से 22 की, ठीक है? तो ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी थोड़ा परेशान था कि इतनी कम कैसे माइलेज मिल रही है, ठीक है? तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इसके ऊपर, और शोरूम वालों से बात करने के बाद पता चला कि ये फ़र्स्ट सर्विस से पहले आपको इतनी ही माइलेज देगी, उसके बाद जो है माइलेज आपके इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो कुछ ये सीन है, अगर आप बाइक जो है न्यू लेकर के आते हैं नया ख़रीद के, तो फर्स्ट सर्विस से पहले आप माइलेज 25 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अगर 25 से ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको आपके एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर जाएंगे, ठीक है? तो न्यू बाइक जब आप लेकर के आते हो तो आपको उस टाइम एवरेज आपकी जो मिलती है वो 20 से 25 के बीच में मिलती है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ऐसा नहीं कि आप 30-35-40 के एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और बाइक लेके आने के बाद आपको उतनी नहीं मिल रही तो आप निराश हो जाओगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, फर्स्ट सर्विस हो जाने के बाद भी इमीडिएटली आपको माइलेज इंक्रीज़ नहीं हो जाएगी, ठीक है? फर्स्ट सर्विस हो जाएगी आपकी, फ़र्स्ट सर्विस होने के बाद जो नया इंजन ऑयल डलता है अच्छे से आपके इंजन के अंदर, जब तक ऑयल मिक्सअप नहीं होगा तब तक आपको अच्छी माइलेज नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ़र्स्ट सर्विस करवाने के बाद आपको लगभग 10 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद आपको अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा, और उस टाइम आप चेक करोगे तो आपको लगभग 30 से 32 की माइलेज आपको मिलेगी, ठीक है? तो ये फर्स्ट सर्विस के बाद की माइलेज मैंने आप लोग को बताई, और इसकी माइलेज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट सर्विस करवाए और तुरंत ही आपको अच्छा माइलेज मिल गया, या सेकंड सर्विस करवाए तुरंत ही आपको माइलेज 40 चले गई, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आपका इंजन ओल्ड होगा वैसे वैसे आपका माइलेज इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो ये कहानी है इस रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की। अब बात करते हैं गाइस कि बाइक से किस तरीके से अच्छा माइलेज निकाली, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे जो BS6 मॉडल है उसके अंदर आपको कार्बोरेटर नहीं मिलता है, उसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, और वहाँ पे आप कुछ मैनुअल ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं जिसके थ्रू से आप मतलब फ्यूल को दबा देंगे तो माइलेज बढ़ जाएगी, वैसा इसमें कहानी नहीं है। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का, इस चीज़ पे मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि भाई आपकी राइडिंग स्टाइल जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और एक मच्योर वे में गाड़ी चलाओ, ठीक है? और लाइक आप 14-15 साल के लड़के नहीं हो कि मतलब रॉयल इनफील्ड लेकर के आप उड़ा रहे हो भाई, वैसे आपको कभी माइलेज अच्छी नहीं मिलेगी। एक मच्योरिटी के साथ मच्योर वे में गाड़ी चलाओ, ठीक है? गाड़ी की आइडियल स्पीड मैं आप लोग को बताता हूँ, और आइडियल स्पीड होनी चाहिए लाइक फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी डालते हो, और मतलब स्टार्ट करने के बाद जब आप गाड़ी उठाते हो फर्स्ट गियर में, और फर्स्ट गियर में आपकी बाइक जो है लगभग 20 से 30 तक जानी चाहिए, उससे आगे मत लेके जाओ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट गियर में डाल के ही 50-60 पे घुमा दिए, वैसा नहीं करना है, ठीक है? फर्स्ट गियर में डालने के बाद आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 20 से 30 तक की होनी चाहिए। 20 से 30 के स्पीड के बाद आप सेकंड गियर डालो, और सेकंड गियर में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 40 से 50 के अंदर में होनी चाहिए, ठीक है? और ये मैं मतलब इनिशियल पिकअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? राइडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। राइडिंग में आपको सेकंड गियर में आपको 30 से 40 के अंदर होनी चाहिए, और 40 भी नहीं मतलब लाइक 30 होनी चाहिए, ठीक है? और थर्ड गियर की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड गियर में आपकी जो गाड़ी है वो 40 से 50 के अंदर होनी चाहिए, और फोर्थ गियर में
आपकी जो गाड़ी है वो 50 से 60 या 70 के अंदर होनी चाहिए। और फिफ्थ गियर में जो है आपकी गाड़ी लाइक फिफ्थ गियर में तो आप जितना मर्जी उतना चला सकते हो। तो इनिशियल जो है गियर का जो पिकअप है, इनिशियल फर्स्ट जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तो उसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि रेव करके गाड़ी को बहुत लंबी उठा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक नहीं आपको ये करना है, फर्स्ट गियर में आपको 20 से 30 तक आपको गाड़ी उठाना है, उसके बाद जो है आपको गियर चेंज कर लेना है। फर्स्ट गियर में गाइस इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट गियर में काफ़ी ज़्यादा बैक प्रेशर चाहिए होता है आपके बाइक को, इंजन को पुशअप करने के लिए, गाड़ी को पुशअप करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको काफ़ी जितना आराम से आप डील करोगे उतनी अच्छी आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप गियर की बात हो गई, अब बात करते हैं कि चलाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भाई आपको क्लच लेके गाड़ी नहीं चलाना, ठीक है। बहुत बंदे क्या करते हैं ट्रैफिक में, ठीक है, ट्रैफिक में तो चलता है ऐसे, नॉर्मली भी क्लच को होल्ड करके चलाते हैं। क्लच को होल्ड करके आपको गाड़ी कभी भी नहीं चलाना। अगर क्लच को होल्ड करके गाड़ी चलाओगे तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला कि भाई सबसे पहली चीज़ तो आपको माइलेज अच्छी नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ कि आपका क्लच प्लेट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जल्दी जल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये दो चीज़ रही, और तीसरी चीज़ माइलेज अच्छा लेने के लिए आप ये कर सकते हो कि एक अच्छी क्वालिटी की फ्यूल डलवा सकते हो, ठीक है। और फ्यूल डलवाने के लिए भाई आप एक्स्ट्रा प्रीमियम यूज़ कर सकते हो, और मतलब कभी भी फ्यूल डलवाओ तो एक अच्छे फ्यूल पंप से डलवाना क्योंकि आजकल मिक्सडअप बहुत होता है। और लोकल फ्यूल तो कभी यूज़ मत करना जो कि ऐसे बाहर मिलते हैं रोड पे, ठीक है। तो लोकल फ्यूल आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना। और एक चीज़ गाइस, प्रॉपर माइलेज लेने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इंजन का हेल्थ का ध्यान रखना है। और इंजन के हेल्थ का ध्यान आप इस तरीके से रख सकते हैं कि आप उसको टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लाइक आपका इंजन जो है सर्विसिंग मांग रहा हो और आप ऐसे ही गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इंजन का आपको ऑयल का जो है हमेशा ध्यान रखना है, और जो टाइम है सर्विसिंग का उस टाइम पे जाके आपको बाइक सर्विस करा लेना है, तभी आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। और बहुत भाई क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसके अंदर फ्यूल पूरा फुल करने से मना करते हैं। तो भाई देखो, फ्यूल फुल करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर आप इसको पूरा फुल यहाँ तक कर दोगे ना तो होगा क्या कि जब आपकी बाइक जर्किन में जाएगी, जर्क आपके जब बाइक में होगा तो फ्यूल शेक करेगा, फ्यूल शेक करने के बाद फ्यूल उछाल मारेगा, ठीक है। फ्यूल उछाल मारने के बाद जो ऊपर एक सक्शन पाइप रहता है, एक होल रहता है जहाँ से फ्यूल का गैस सक किया जाता है, लाइक ठीक है, अगर आप फ्यूल अंदर डाल रहे हो तो फ्यूल का क्या होता है कि फ्यूल बर्न होता है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, और वो बर्न होके गैस में बदल जाता है, और उस गैस को सक करता है वो होल, वहाँ पे एक पाइप लगा रहता है, वहाँ से उस गैस को सक करके आपके इंजन में डाला जाता है ताकि आपको पूरी तरीके से आपके फ्यूल का आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो अगर आप फुल कर दोगे ना तो वो उछाल मार के क्या करेगा, वो होल में चले जाएगा, मतलब फ्यूल लिक्विड, और वो चीज़ जो है लिक्विड के लिए नहीं बनी है। और जब आपके फ्यूल उस पाइप में जाता है तो वहाँ से कुछ चकचक वाली आवाज़ आती है और आपकी बाइक मिसिंग भी करती है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि फ्यूल जो है आपको फुल नहीं करना, फ्यूल हमेशा लाइक लिमिट दी रखी है। आप रॉयल इनफील्ड के इसमें देखोगे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्यूल आपको हमेशा यहाँ तक होना चाहिए, ये नीचे वाला जो मेटल का पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्यूल पूरा यहाँ तक भर दे रहे हो, यहाँ तक नहीं भरना, पूरा नीचे होना चाहिए ताकि अगर आपकी बाइक अगर जर्क भी करती है तो फ्यूल ऐसा उछल के यहाँ पे इस जगह पे ना आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है फ्यूल की। और भाई बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप वीडियो में जो माइलेज बता रहे हो वो गलत है क्योंकि हमें इतनी माइलेज मिल रही है। भाई हर टाइम पे माइलेज अलग अलग मिलती है, ऐसा नहीं कि अगर मैं 30 बोल रहा हूँ तो आगे भी 30 ही मिलेगी मुझे, आगे बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपके बाइक किस सिचुएशन में आप अपने बाइक को रख रहे हो, ठीक है। तो ये सीन है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको कम ही माइलेज मिलेगी क्योंकि बहुत बंदे स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और 20 से 25 का माइलेज एक रॉयल इनफील्ड ओनर के लिए मतलब थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इस बाइक से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे बंदे सर्च करते हैं यूट्यूब पे माइलेज की वीडियोस, तो माइलेज ऑब्वियसली वीडियोस में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि भाई वो एक प्रॉपर तरीके से माइलेज टेस्ट किया हुआ रहता है। दूसरी बात कि आपको ये नहीं पता रहता कि वो माइलेज कब हो रहा है, ठीक है, लाइक फर्स्ट सर्विस के बाद हो रहा है या सेकेंड सर्विस के बाद हो रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी नोटिस करने की बात होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल डेज में आपको 20 से 25 तक की ही माइलेज मिलेगी, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना अगर आपके साथ भी सेम हुआ है तो, ठीक है। और एक फ़नी क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई मैं इसमें सामान किधर रखूँ, लाइक कपड़े पोछने के लिए कपड़े वपड़े किधर रखना है, तो ऊपर तो यहाँ पर कोई जगह नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पे सीट के बीच में आप देख सकते हैं एक जगह है यहाँ पे, अभी भी मैंने कपड़ा रखा हुआ है, इसके अंदर घुसा देता हूँ। तो यहाँ घुसा दोगे तो आपके बाइक पोछने के कपड़े यहाँ रह जाएंगे। तो बेसिकली गाइस कुछ यही आज का इस वीडियो का टॉपिक था कि आप किस तरीके से अपने रॉयल इनफील्ड से अच्छे माइलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी राइडिंग स्टाइल पे ध्यान देना है, आइडियल जो गियर की स्पीड है उसको समझना है, क्लच लेके बाइक को नहीं चलाना है, इंजन के हेल्थ का ध्यान रखना है और एक सही फ्यूल पंप से जाके पेट्रोल भरवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप मेंटेन करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा। और हाँ एक बात कि सर्विसिंग भाई टाइम पे कराओ, ऐसा नहीं कि वो टाइम नहीं मिल रहा है तो सर्विस नहीं करवा रहा हूँ, सर्विसिंग टाइम पे कराओ। टायर के प्रेशर बहुत ज़रूरी है, टायर के प्रेशर भी आपको मेंटेन रहना चाहिए, अगर टायर के एयर प्रेशर में कमी आ गई तो आपके बाइक को कुछ ज़्यादा ताकत लगेगा आपको खींचने के लिए, बाइक को खींचने के लिए, तो वहाँ पे भी आपकी माइलेज डिक्रीज़ हो जाती है। तो टायर प्रेशर भी मेंटेन रहने चाहिए, चेन भी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब सब कुछ आपको एक गाड़ी को मेंटेन में रखेंगे तभी आपको एक प्रॉपर माइलेज आपको ये बाइक से मिलेगी, ठीक है। अब ये हीरो होंडा या फिर प्लैटिना तो है नहीं कि आप जैसे मन वैसे रखो और 60-70 की माइलेज आपको मिल जाए, ठीक है भाई। 350 cc की बाइक है, इसको जब तक मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपको माइलेज सही नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।